Hey everybody, welcome to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you know, you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, aaj ki class bahut important class hone wali hai, bahut interesting class hone wali hai because aaj se hum start kar rahe hain physical chemistry ka 12th class ka ek bahut important chapter chemical kinetics. So, first of all let me tell you what is this chapter all about. केमिकल काइनेटिक्स में हमें किस बारे में पढ़ना है, इस केमिकल काइनेटिक वर्ड का मतलब भी क्या होता है. देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं केमिकल काइनेटिक्स. सो स्टूडेंट्स, याद रखिए, केमिकल काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट द रेट्स ऑफ रिएक्शन. यू ऑल नो, जितने भी हमारे आसपास फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसेस बहुत फास्ट चलते हैं, कुछ प्रोसेस बहुत ही स्लो चलते हैं. अलग अलग रिएक्शन अलग अलग रेट से होते हैं. कुछ रिएक्शन इतना स्लो चलते हैं कि उन्हें देख के डाउट होता है कि वो चल भी रहे हैं या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर सपोज कीजिए हम आयरन की एक प्लेट लेके ओपन में खड़े हो जाएं एंड सोचें कि आज देखेंगे कि रस्ट कैसे लगती है, सो इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू सी यू दैट इन अ सिंगल डे बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ प्रोसेस दैट इज अटेंड इन सेवरल डेज. तो रस्टिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है. वहीं दूसरे हाथ पे कुछ प्रोसेस इतने फास्ट होते हैं कि कब वो हमारी आंखों के आगे से निकल गए हमें पता भी नहीं चलता, कब वो कंप्लीट हो गए हमें पता भी नहीं चलता, हम उन्हें नोट भी नहीं कर पाते. सो एक क्वेश्चन डेफिनेटली माइंड में अराइज होता है कि व्हाई डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट रिएक्शंस अकर विद डिफरेंट स्पीड. क्या है जो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है? कुछ रिएक्शन स्लो क्यों होते हैं, कुछ रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड का मतलब भी क्या होता है. What is the meaning of rate of reaction? What are the factors that affects the rate of reaction? And what is the mechanism behind the occurrence of the rate of reaction? So the complete study regarding the rate of reaction and the factors over which the rate of reaction depends is to be studied in chemical kinetics. So students, yaad rakhiye, chemical kinetics physical chemistry ki wo branch hai jisme hum rate of reactions ke bare mein padhenge. Everything about the rate of reaction. So chemical kinetics, in simple terms हम कह सकते हैं, it is the study of reaction rates. अब before we actually go into the details of this chapter, सबसे पहले ये find out करते हैं कि rate of reaction word का meaning क्या होता है. What is the meaning of this term rate of reaction? तो students, this is the first topic of this chapter, rate of reaction. देखिए, इन सिंपल टर्म्स आप खुद सोचिए, अगर आपसे किसी रिएक्शन का रेट पूछा जा रहा है तो बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है. अगर आपसे किसी रिएक्शन का रेट पूछा जा रहा है तो इन वेरी सिंपल टर्म्स आपसे उस रिएक्शन की स्पीड पूछी जा रही है. आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना जल्दी जल्दी रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं या कितना जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन रहे हैं. तो रिएक्शन की एक स्पीड पूछी जा रही है, रिएक्शन प्रोग्रेस किस रेट से हो रहा है वो पूछा जा रहा है. तो देखिए, ये कैसे पता चलेगा? यू ऑल नो कि रेट का मैथमेटिकल मीनिंग होता है टू स्टडी समथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. हम सभी को लोगों को मालूम है कि रेट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी करना. तो अगर हमें एक रिएक्शन का रेट पता लगाना है तो हमें क्या चीज टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी करनी है? हमें पहले यह फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हम टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी करें और उससे हमें यह आइडिया हो जाए कि रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है. तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं. Let there be a reaction A gives B. अब students, आप सब लोग ये तो मानते हैं ना कि जब भी कोई reaction occur करता है, whenever any reaction proceed towards product, जब भी कोई reactant product में convert होते हैं, तो during the occurrence of any reaction, do you all agree कि concentration changes occur करते हैं? आप ये तो मानते हो ना कि जब जब reaction चल रहा होता है आगे, तो concentration changes occur कर रहे होते हैं. और अगर मैं आपसे पूछूं कि किस चीज की concentration changes occur करते हैं, तो याद रखिएगा, concentration of both reactant as well as product undergo a change during the occurrence of reaction. क्या आपको नहीं लगता कि जब reaction चल रहा होगा तो reactant की concentration तो time के साथ साथ decrease हो रही होगी और product की concentration time के साथ साथ increase हो रही होगी? तो basically change तो दोनों में आ रहा है ना. तो ये याद रखिएगा, जब भी एक reaction occur करता है तो during the occurrence of reaction concentration changes takes place. एंड ये कंसेंट्रेशन चेंजेस रिएक्टेंट में भी होते हैं और प्रोडक्ट में भी होते हैं.
तो हमने ये सोचा कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना है तो क्यों ना हम इन होने वाले चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को ही टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी कर लें। अगर हम ये पता लगा लें कि कितने टाइम में कितना कंसेंट्रेशन चेंज अगर करा तो उससे हमें रेट पता चल जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए हमने किसी रिएक्शन में एनालाइज करा कि कम से कम टाइम में, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेशन चेंज हो गई। अगर कम टाइम में ज्यादा कंसेंट्रेशन चेंज हो गई तो इट इंप्लाइज कि रिएक्शन रेट बहुत फास्ट है, बहुत स्पीड से चल रहा है रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा टाइम में कम कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया लेकिन कंसेंट्रेशन में बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आया, तो ऑब्वियसली ये इंप्लाई कर रहा है कि रिएक्शन बहुत धीरे चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, वन थिंग इज फॉर श्योर कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है टू स्टडी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। हमें यही तो पता लगाना था कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी करें और हमारे रिएक्शन के रेट का आइडिया हो जाए। तो अब हमें पता चल गया कि वो प्रॉपर्टी है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। वी नीड टू स्टडी दिस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। और मैंने आपको बताया कि ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों का होता है, रिएक्टेंट का भी होता है, प्रोडक्ट का भी होता है। तो हम किसी भी रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिएक्शन है ए गिव्स बी, ए रिएक्टेंट है, ए की कंसेंट्रेशन तो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही होगी, बी प्रोडक्ट है, बी की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही होगी। तो हम इसी रिएक्शन का रेट दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज आइदर द डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, या हम ये भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन। देखिए, रेट का मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, एंड वी नो कि ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों में हो रहा है। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन भी चेंज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी चेंज हो रही है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है। तो एक ही रिएक्शन का रेट आप दोनों की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आइदर इन टर्म्स ऑफ ए और इन टर्म्स ऑफ बी। अगर रिएक्टेंट की टर्म्स में निकाल रहे हैं तो आपको डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम टेकन मेजर करना होगा, और अगर आप प्रोडक्ट की टर्म्स में निकाल रहे हैं तो आपको इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम टेकन मेजर करना होगा। और इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हमने कहा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। देखिए, आप लोगों ने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में सीखा था कि किसी भी स्पीशीज को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है उसकी कंसेंट्रेशन। सो दैट मींस अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट ए लिखता हूं तो मैं कंसेंट्रेशन ऑफ ए की बात कर रहा हूं, बट क्योंकि मुझे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मैं डेल्टा लगा देता हूं। डेल्टा मतलब द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। एंड याद रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ये जो एक्सप्रेशन है वो रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा गया है और हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन तो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, तो उस डिक्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इससे पहले नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो जब भी आप किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो नेगेटिव डेल्टा ऑफ कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से पहले नेगेटिव साइन लगाएंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है और ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज नहीं होती बल्कि ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है। सिमिलरली, अगर आप किसी भी रिएक्शन का रेट प्रोडक्ट की टर्म्स में स्पेसिफाई कर रहे हैं, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा। ये होगा प्लस डेल्टा ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्योंकि टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है, टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है, शुरू में कम होती है बाद में इंक्रीज हो जाती है, तो इस इंक्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। तो आपने देखा कि एक ही रिएक्शन के रेट को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइदर वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, और वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ बी।
अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यह समझना है कि हमने कहा कि इस रिएक्शन के रेट को हम रिएक्टेंट के खत्म होने की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं और प्रोडक्ट के बनने की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों एक्सप्रेशन इसी रिएक्शन का रेट बता रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड वाइज बराबर भी होंगे? इन दोनों को इक्वेट करा जा सकता है? क्या हम कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन में जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट बन रहे हैं? रिएक्टेंट के खत्म होने का रेट और प्रोडक्ट के बनने का रेट क्या हमेशा बराबर होता है? क्योंकि हम बोल रहे हैं ये रिएक्शन भी, ये भी एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। अब अगर ये दोनों एक ही रिएक्शन का रेट बता रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए, ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्शन, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। ये जरूरी नहीं होता हर रिएक्शन में कि जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट बन भी रहे हो। कई बार कुछ रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि रिएक्टेंट तो बड़ी धीरे धीरे कंज्यूम हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट बड़ी रैपिडली बन रहा है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट बहुत रैपिडली कंज्यूम हो रहे हैं बट स्टिल प्रोडक्ट बड़ी धीरे धीरे जनरेट हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, अगर रिएक्टेंट जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं तो प्रोडक्ट भी तो जल्दी जल्दी बन रहा होगा। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको एक रिएक्शन दिया था जहाँ पे कॉफिशेंट्स थे 1 और 1, 1A वॉज गिविंग 1B। तो इसमें हमें दिख रहा था कि जितनी देर में A खत्म होता है उतनी देर में 1B बन भी जाता है, तो A खत्म होने का रेट और B के बनने का रेट बराबर है। सो दैट्स वाई हम इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं इस रिएक्शन में। लेकिन स्टूडेंट्स आप इमेजिन करिए कि अगर कोई रिएक्शन इस तरह की बैलेंसिंग आ जाता है, 1A गिव्स 2B, तो इस बैलेंसिंग से हमें क्या दिख रहा है? इस बैलेंसिंग से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि जितनी देर में A खत्म होता है उतनी देर में 2B बन जाते हैं। अगर A तो 1 ही खत्म हुआ लेकिन B 2 बन गए तो ये ऑब्वियस है ना कि B के बनने का रेट ट्वाइस है एज कंपेयर टू A के खत्म होने के रेट के, क्योंकि A 1 खत्म हो रहा है, B 2 बन रहे हैं, तो B डबल रेट से बन रहा है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन में हम इन्हें इक्वेट नहीं कर सकते। जैसे अगर इस रिएक्शन के लिए कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रेट इन टर्म्स ऑफ A, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A, मतलब हमें रेट ऑफ रिएक्शन A के खत्म होने की टर्म्स में बताना है, तो इसका एक्सप्रेशन होगा माइनस डेल्टा ऑफ A बाय डेल्टा T। और अगर हमें इसी रिएक्शन का रेट B के बनने के टर्म्स में बताना है, अब आप ये बताइए, अगर हमें इसी रिएक्शन का रेट B के बनने के टर्म्स में बताना है तो क्या लगता है आपको एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? क्या अभी भी हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, प्लस डेल्टा ऑफ B बाय डेल्टा T? ये आपको लगता है कि नहीं, अब हम प्लस डेल्टा ऑफ B बाय डेल्टा T को इंटू 2B करेंगे? या आपको लगता है कि अब डेल्टा ऑफ B बाय 2 डेल्टा T करेंगे? क्या आपको लगता है ये जो 2 यहां पे दे रखा है इसका हम एक्सप्रेशन लिखते वक्त कोई यूज करेंगे या नहीं करेंगे? सोचिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, याद रखिए कि वाइल राइटिंग द रेट इन टर्म्स ऑफ B, जब आप B के बनने का रेट बता रहे हो तो आप इस 2 को कहीं पे भी कंसिडर नहीं करोगे, ना ये पावर में आएगा, ना ये मल्टीप्लाई होगा, ना डिवाइड होगा। ठीक है, अभी मैं आपसे B के बनने का रेट पूछ रहा हूं और B के बनने का रेट तो यही है, बिकॉज रेट का मतलब होता है द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। डेल्टा B मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम टेकन। तो एज पर द डेफिनेशन तो यही एक्सप्रेशन होना चाहिए ना B के बनने के रेट का। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या B के बनने का रेट A के खत्म होने के रेट के बराबर है, क्या B के बनने का रेट A के खत्म होने के रेट के बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि नहीं, B तो ट्वाइस रेट से बन रहा है, A तो 1 ही खत्म हुआ, B 2 बन गए। तो इस केस में आप इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ये कम रेट से खत्म हो रहा है लेकिन ये डबल रेट से बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करना चाहता हूं तो देखिए मैं कैसे करूंगा, माइनस डेल्टा ऑफ A बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ऑफ B बाय 2 डेल्टा T। मैं इस B के रेट को 2 से डिवाइड कर दूंगा ताकि ये A के रेट के बराबर हो जाए, क्योंकि आप देखिए ना, B ट्वाइस रेट से बन रहा है। अगर B ट्वाइस रेट से बन रहा है तो B के रेट को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तभी तो वो A के रेट के इक्वेटेड होगा। अब जब आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको B का रेट नहीं, अब ये A का रेट बता रहा है।
तो ये याद रखिए, अगर आपसे यहां पे पूछा जा रहा था रेट इन टर्म्स ऑफ बी और आप यहीं से यहीं पे टू से डिवाइड कर देते तो एक्चुअली बी का रेट नहीं बता रहे थे, फिर आप ए का रेट बता देते। बी का अपना रेट तो यही है क्योंकि रेट का मतलब होता है द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। लेकिन अगर हम इसे टू से डिवाइड कर दें तो ये ए के रेट के इक्वेटेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिए, आप किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो और प्रोडक्ट की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दोनों रिएक्शन रेट इक्वेट भी करे जा सकें। रिएक्टेंट के खत्म होने का रेट अलग होता है, प्रोडक्ट के बनने का रेट अलग होता है, ठीक है। तो इस केस में जहां पे कॉफिशियंट 1:1 का रेशियो था, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहा था, वहां तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट बराबर होंगे, आप इन दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली इक्वेट भी कर सकते हैं। लेकिन जहां इस टाइप का रिएक्शन आ गया 1A gives 2B, एक ए खत्म हो रहा है लेकिन 2B बन रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ए कम रेट से खत्म हो रहा है, बी ट्वाइस रेट से बन रहा है। ऐसे में आप इन दोनों को इक्वेट करने के लिए बी के रेट को 2 से डिवाइड करोगे, तब आप इन्हें इक्वेट कर पाओगे। अब मैं आपको यह चीज एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं और बेटर क्लियर करते हैं और यह भी फाइंड आउट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये ए के खत्म होने का रेट है, ये बी के बनने का रेट है, तो फिर पूरे रिएक्शन का रेट क्या है? अगर हम एक रिएक्शन का रेट पूछ रहे हैं तो क्या सिर्फ हम ए के खत्म होने का रेट पूछ रहे हैं या हम सिर्फ बी के बनने का रेट पूछ रहे हैं या एक जनरल ट्रेंड पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन? तो हम ये भी सीखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर दिस एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 + 3H2 gives 2NH3। नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहां पे सब चीजों के कॉफिशेंट्स अलग अलग हैं। जितनी देर में एक नाइट्रोजन खत्म हो रहा है उतनी देर में 3 हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहे हैं और उतनी ही देर में 2 अमोनिया बन रहे हैं, तो सबका रेट अलग अलग है। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन के खत्म होने का रेट क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ नाइट्रोजन वुड बी माइनस डेल्टा ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से पहले हम नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। इसी तरह से हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन के खत्म होने का रेट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइड्रोजन वुड बी माइनस डेल्टा ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। याद रखिए स्टूडेंट्स, अभी ये वाला जो 3 है ये यहां पे डिवाइड में नहीं लाएंगे क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन के खत्म होने का रेट बता रहे हैं और रेट का मतलब होता है द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, उसमें इस 3 का कोई रोल नहीं होता अभी। और अगर कोई आपसे पूछे अमोनिया के बनने का रेट क्या है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज पॉजिटिव डेल्टा ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहां पे भी अभी आप 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ये अमोनिया के बनने का अपना रेट है। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या है एंड मोर ओवर कोई आपसे पूछे कि क्या ये तीनों इक्वेट करे जा सकते हैं, क्या नाइट्रोजन के खत्म होने का रेट और हाइड्रोजन के खत्म होने का रेट बराबर है और क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जिस रेट से खत्म हो रहे हैं उसी रेट से अमोनिया बन भी रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों के कॉफिशियंट अलग अलग हैं। इसका मतलब तीनों का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग है। जितनी देर में एक नाइट्रोजन खत्म हो रहा है उतनी देर में 3 हाइड्रोजन खत्म हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन थ्राइस रेट से खत्म हो रहा है। तो अगर आप हाइड्रोजन के रेट को नाइट्रोजन के रेट के इक्वेट करना चाहते हो तो हाइड्रोजन के रेट को 3 से डिवाइड कर दोगे, तब वो फिर हाइड्रोजन का रेट नहीं रहेगा, वो नाइट्रोजन का रेट बन जाएगा। इसी तरह से जितनी देर में एक नाइट्रोजन खत्म हो रहा है उतनी देर में 2 अमोनिया बन रहे हैं, तो अमोनिया के बनने का रेट नाइट्रोजन के खत्म होने के रेट के कंपैरिजन में ट्वाइस है, तो अगर हम अमोनिया के रेट को 2 से डिवाइड कर दें तो वो भी नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगा। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें इन तीनों को इक्वेट कर पाए। देखिए, रेट वुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3 डेल्टा T। हाइड्रोजन के रेट को 3 से डिवाइड कर दिया ताकि वो नाइट्रोजन के रेट के बराबर हो जाए क्योंकि हाइड्रोजन थ्राइस रेट से खत्म हो रहा था, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस डेल्टा ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा T। अमोनिया ट्वाइस रेट से बन रहा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो अमोनिया के रेट को नाइट्रोजन के रेट के इक्वेट करने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इस समय ये तीनों एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन एज वेल एज ये वाला एक्सप्रेशन,
किस चीज का रेट बता रहे हैं? ये तीनों नाइट्रोजन के खत्म होने का रेट बता रहे हैं। ये तो नाइट्रोजन के खत्म होने का रेट था ही, हाइड्रोजन के रेट को भी 3 से डिवाइड इसलिए कर दिया ताकि वो भी नाइट्रोजन के खत्म होने के रेट के बराबर हो जाए, और अमोनिया के रेट को 2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये भी नाइट्रोजन के खत्म होने के रेट के बराबर हो जाए। अब ये तीनों एक्सप्रेशन जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, इनका सॉल्व करके तीनों का बराबर आएगा और यही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो रेट ऑफ रिएक्शन वो था जिस रेट से नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन के खत्म होने का रेट नहीं था, या रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के बनने का रेट नहीं था। ऑल्दो आप रेट ऑफ रिएक्शन को हाइड्रोजन की हेल्प से निकाल सकते हो, ऑल्दो आप रेट ऑफ रिएक्शन को अमोनिया की हेल्प से निकाल सकते हो, लेकिन अमोनिया का अपना रेट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, या हाइड्रोजन का अपना रेट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन का अपना रेट रेट ऑफ रिएक्शन है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से किसका रेट रेट ऑफ रिएक्शन होता है? जैसे इस केस में तो नाइट्रोजन के खत्म होने का रेट रेट ऑफ रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन के खत्म होने का रेट रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं ले लिया हमने, या अमोनिया के खत्म होने का रेट रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं ले लिया? अगर हमने इस एक्सप्रेशन में तीनों को नाइट्रोजन के बराबर इक्वेट करा, तो हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन क्यों नहीं बना लिया जिसमें हम तीनों को हाइड्रोजन के इक्वेट कर देते या तीनों को अमोनिया के इक्वेट कर देते? तो यही याद रखिए स्टूडेंट्स, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11 कि जब भी एक रिएक्शन होता है तो द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। ओवरऑल रिएक्शन का रेट स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। तो यहां पे भी ओवरऑल रिएक्शन का रेट उस रिएक्टेंट या उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा जो सबसे स्लो पेस पे चेंज अंडरगो कर रहा है। आप देख सकते हैं जितनी देर में एक नाइट्रोजन खत्म हो रहा था उतनी देर में 3 हाइड्रोजन खत्म हो रहे थे, तो हाइड्रोजन तो थ्राइस रेट से खत्म हो रहा था। उतनी देर में 2 अमोनिया बन रहे थे, अमोनिया ट्वाइस रेट से बन रहा था। यानी कि जो सबसे स्लो पेस पे चेंज अंडरगो कर रहा था वो नाइट्रोजन था, और क्योंकि नाइट्रोजन सबसे स्लो पेस पे चेंज अंडरगो कर रहा है तो नाइट्रोजन का रेट ही रेट ऑफ रिएक्शन माना जाएगा। आप जब इन सबको इक्वेट करेंगे तो इन सबको नाइट्रोजन के बराबर इक्वेट कर देंगे। हाइड्रोजन के रेट को 3 से इसलिए डिवाइड करा ताकि वो भी नाइट्रोजन के बराबर हो जाए, अमोनिया के रेट को 2 से इसलिए डिवाइड करा ताकि वो भी नाइट्रोजन के बराबर हो जाए। अब आप इन तीनों में से किसी को भी रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करा जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपने आप में रेट ऑफ रिएक्शन को इंप्लाई करता है। जैसे इस केस में हाइड्रोजन के खत्म होने का रेट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं था, हाँ लेकिन हाइड्रोजन के खत्म होने के रेट की हेल्प से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल तो सकते हो। बेशक ये खुद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन आप इसे 3 से डिवाइड कर दो तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अमोनिया के खत्म होने, अमोनिया के बनने का रेट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन अमोनिया के रेट को 2 से डिवाइड कर दें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ आइदर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डायरेक्टली उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बराबर होता है जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सबसे स्लो पेस पे चेंज अंडरगो कर रहा होता है। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंप्लाइज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। सो आई होप स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन का यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अपने नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ रेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।